गाइज आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वाइट 444 2018 से लेकर 2021 तक किस तरह से उसका एवोल्यूशन हुआ और किस तरह से गेम प्ले था। तो 2018 का आप देख सकते हो इतना खतरनाक हेडशॉट मारता था। वहीं 2019 में उन्होंने एक ड्रेस पकड़ा जिसका नाम था ये बन्नी वाला, उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। तो 2019 में इसका गेम प्ले बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ करता था जिसमें ये बन्नी ड्रेस को सबसे ज्यादा फेमस किया था 2019 में। उस समय दुनिया में जानने लगा कि वाइट 444 वाइटी कौन है। वहीं बात करें अगर हम 2020 की तो 2020 का आप गेम प्ले उसका देख सकते हो यहाँ पे, वो बहुत ही सारा अच्छा अच्छा मॉन्टेज बनाने लगा और हेडशॉट का नया नया ट्रिक अपनाने लगा और अलग अलग तरीके से हेडशॉट मारने का वो करने लगा और ग्लू वॉल वगैरह का स्टाइल, इसका मूवमेंट स्पीड काफी बढ़ गया था 2020 में, आप यहाँ पे देख सकते हो। 2020 में इसका गेम प्ले बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। वहीं बात करें 2021 में तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो उसका वन टैप इतनी खतरनाक कि बस एक बार कूदता और लोगों को हेडशॉट मारता है। 2022 में भी उसका गेम प्ले कुछ इसी तरह से, लेकिन बाद में पता चला ये तो हैकर है क्योंकि इन्होंने हैक ला के बहुत ही सारे मॉन्टेज बनाए। तो ये हैकर है, पहले ये हैक ला के नहीं खेलता था लेकिन अभी के समय ये हैक ला